खाते में नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है और साथ ही अब फॉरेन ट्रिप पर ज्यादा टीसीएस कटेगा। करेंगे इन तमाम नियमों पर चर्चा और आपको क्या करनी चाहिए तैयारी। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें। मोहित गांग, सीईओ मनी फ्रंट, और संदीप झुनझुनवाला, पार्टनर नांगिया एंडरसन। मोहित और संदीप, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुछ बड़े बदलाव अक्टूबर महीने से शुरू होने को तैयार हैं और जिसको लेकर हर कोई समझना चाहता है कि ये कौन से बदलाव हैं। पहले हम उसका एक आपको लिस्ट दिखा दें कि कौन कौन से बदलाव 1 अक्टूबर से होने को तैयार हैं, जिसमें मैंने अभी जब शुरुआत में जिक्र किया था कि अब म्यूचुअल फंड में आपको नॉमिनी डिक्लेयर करना जरूरी होगा। इसके मायने हम समझेंगे अभी कुछ देर में। विदेश में अगर आप 7 लाख रुपए से ऊपर खर्च करते हैं तो उस पर अब 5% की जगह 20% टीसीएस कटेगा, यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसके क्या मायने हैं? नॉमिनी की जानकारी अगर नहीं देते हैं तो आपका डीमैट खाता या ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसको कैसे करें, इसको भी समझेंगे। स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए आधार की जानकारी देना अब जरूरी हो गया है। साथ ही कोई भी वित्तीय काम के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए पहले बड़े बदलाव की चर्चा करते हैं और हम शुरुआत करना चाहेंगे फॉरेन ट्रिप पर टीसीएस की कैंची के साथ। आपको याद होगा बजट में इसका ऐलान किया गया था कि जो टीसीएस है अब वो 5% की जगह 20% कटेगा। उसके बाद इसको लेकर काफी जगह चर्चाएं भी हुई कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। लेकिन जरा इसको पहले समझते हैं कि है क्या ये नियम। संदीप, मैं आपसे जानना चाहती हूं, ये जो टीसीएस के नए नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो रहे हैं, क्या है ये? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 20% कटेगा अगर आप सालाना 7 लाख से ज्यादा फॉरेन ट्रिप पर खर्च करते हैं। जरा समझाइए क्या बदलाव है ये। स्वाति, जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई भी भारतीय नागरिक इंडिया से बाहर जाता है और वो कोई भी विदेश में ट्रैवल करने के लिए अगर ओवरसीज टूर प्रोग्राम बुक करता है फ्रॉम अ टूर ऑपरेटर और वो अमाउंट 7 लाख से ज्यादा है, तो उसमें जो टीसीएस का रेट है वो अभी तक 5% ही एप्लीकेबल था विदाउट एनी लिमिट। अब जो है 1 अक्टूबर से द लिमिट जो अप्लाई होगा वो ये हो जाएगा कि अगर आपकी जो जो फॉरेन टूर पे जो आप स्पेंड कर रहे हैं वो अगर 7 लाख रुपए तक है तो 5% टीसीएस उस पर अप्लाई होगा, और अगर वो 7 लाख से ज्यादा है तो उसपे जो टूर ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप ये बुकिंग कर रहे हैं वो आपसे 20% एडिशनल टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर 100 रुपए की पैकेज है तो वो आपसे 120 रुपीज कलेक्ट करेगा और 20 रुपीज जो है वो आपके पैन के अगेंस्ट में डिपॉजिट हो जाएगा। सो ये आप अपने रिटर्न के टाइम पे अल्टीमेटली जब ईयर के एंड पे आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो ये आप 20 रुपीज जो है अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में क्लेम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर संदीप, आप कह रहे हैं कि टीसीएस 20% जरूर कटेगा लेकिन आप रिटर्न के टाइम पर इसको क्लेम भी कर सकते हैं। जरा थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि विदेश में कौन कौन से ऐसे खर्च हैं जिस पर ये 20% टीसीएस कटेगा अगर ये 7 लाख से ऊपर अमाउंट जाता है। अब ये तो ईयरली 7 लाख रुपीज का लिमिट रखा गया है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रिप पे आपने 7 लाख अगर खर्च कर दिया हो, क्योंकि इसको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो क्या क्रेडिट कार्ड से आप खर्च कर रहे हैं उसके लिए है, फॉरेन एक्सचेंज भी होता है उससे अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल है आपके फॉरेन ट्रिप पर, स्पेशली अगर हम जब फॉरेन ट्रिप की बात कर रहे हैं जो कि 1 अक्टूबर 2023 से ये नए रूल्स लागू हो रहे हैं। सर ये बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई शॉपिंग कर रहा है बाहर, खाना खा लिया बाहर, विद इन दैट फॉरेन कंट्री ट्रैवल हो रहा है, ये क्या तमाम ये सब चीजें शामिल है इस लिमिट में? तो स्वाति, आपने सही कहा, ये एक वित्तीय वर्ष के लिए एप्लीकेबल है। 7 लाख की जो लिमिट आपने बताई वो एक वित्तीय वर्ष के लिए है, इट्स नॉट किसी एक टूर से रिलेटेड नहीं है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ओवरसीज टूर पैकेज बुक करता हूँ और अभी इस मुद्दे पर एक सर्कुलर आया था जो गवर्नमेंट ने 30 जून को रिलीज किया था, वो एक गाइडेंस अवेलेबल है हमारे पास, उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ओवरसीज टूर पैकेज तभी माना जाएगा जब आप होटल एकोमोडेशन और
उससे जो जुड़े मुड़े जैसे साइट सींग से रिलेटेड खर्चे हैं, वो अगर आप एक साथ बुक करते हैं तो ही उसको ओवरसीज टूर प्रोग्राम माना जाएगा। अगर मैं सिर्फ एक फ्लाइट टिकट बुक करता हूँ या फिर एक होटल में अलग से बुकिंग करता हूँ तो उसको ओवरसीज टूर प्रोग्राम नहीं माना जाएगा। बट अगर ये सबको कंसोलिडेट करके एक पैकेज की तरह अगर मैं बुक करता हूँ तो ही ये TCS जो 20% है वो अप्लाई होगा। तो इसको अगर सिंपल टर्म्स में मैं बताऊं तो अगर कोई भारतीय नागरिक अमेरिका जा रहा है और उसने एक होटल में बुकिंग की है और उसने फ्लाइट की टिकट भी बुक की है, साइट सीइंग वगैरह सब कुछ एक ही टूर ऑपरेटर के थ्रू बुक किया है, और ये सारे खर्चे मिलाकर अगर 7 लाख से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर 20% TCS अप्लाई होगा। बट अगर मैं सिर्फ होटल का बुकिंग अलग से करता हूँ और फ्लाइट की टिकट अलग से बुक करता हूँ तो फिर मुझे ये TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। एज पर द सर्कुलर जो कि जून 30 को रिलीज हुआ था उसमें ये बहुत क्लियर कट गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। बिल्कुल संदीप, ऐसे में तो जितनी भी जो टूर ट्रैवल कंपनीज हैं उनके लिए तो ये थोड़ा नेगेटिव हो गया, क्योंकि लोग अब कोशिश करेंगे कि वो पैकेज में ना लेकर अलग अलग बुकिंग करें, जैसे फ्लाइट टिकट अलग ले ली, फिर वहां जाकर होटल अलग ले लिया, या फिर बाकी जो साइट सीइंग का जो पूरा आइटिनरी है वो अलग से प्लान कर ली। अदरवाइज आप टूर कंपनी प्लानिंग के पास जाते थे, वो आपके लिए सब कुछ अरेंज कर लेते थे। हालांकि अमाउंट है भी बहुत बड़ा, 7 लाख रुपए तो बहुत ही कम वर्ग होगा जो कि 7 लाख रुपए इसमें खर्च करेगा। बट आपको लगता है कि ये एक्चुअली एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है फॉर टूर एंड ट्रैवल कंपनीज? हाँ, अभी तक के क्लैरिफिकेशन के हिसाब से आई एग्री स्वाति आप जो बोल रही हैं, लेकिन दिस अगेन गिव्स आल्सो सम ब्रीदर। भारतीय जो भी नागरिक हैं वो अगर अलग अलग बुकिंग करते हैं तो एटलीस्ट ये TCS अप्लाई नहीं होगा। सो इन सम सेंस ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट क्लियरली कह रही है कि अगर आप सब कुछ एक साथ बुक करते हैं फ्रॉम अ टूर ऑपरेटर तो ही ये TCS अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। संदीप, एक बस छोटा सवाल, ये जो 20% या जो 7 लाख की बेसिकली जो ये अमाउंट है, ये इंडिविजुअल की अमाउंट है, क्योंकि फैमिली में माने 4 लोग हैं उनको मिलाकर खर्च को जोड़ा गया है? नहीं, ये पैन के बेसिस पे होगा। सो अगर मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने सबके लिए टिकट और एकोमोडेशन बुक किया है तो ये मेरे पैन लेवल पे टेस्ट होगा। द अमाउंट ऑफ 7 लाख जो भी है ये मेरे पैन लेवल पे टेस्ट होगा। सो अगेन एक चीज जो ध्यान में रखा जा सकता है वो ये है कि अगर 4 लोग हैं फैमिली में जो ट्रैवल कर रहे हैं, आप अलग अलग अगर सबको ही करदाता है उनके पास पैन है तो वो अलग अलग बुकिंग्स भी कर सकते हैं टू इंश्योर कि ये जो लिमिट है ये अलग अलग करदाताओं के पैन के हिसाब से देखा जाए, ना कि एक आदमी जो बुकिंग कर रहा है उसके हिसाब से ये टेस्ट किया जाए। ओके, मतलब एक पैन पर बेसिकली ये 7 लाख की लिमिट बताई गई है। तो इन अ वे ये तो इंडिविजुअली हो गया ना संदीप, मतलब एक इंडिविजुअल पर पर्सन जिसका एक पैन कार्ड है उसके लिए 7 लाख की लिमिट है। ऑल राइट, इस बीच एक खबर भी आपको बता दें, सेबी ने डीमैट के लिए नॉमिनेशन की जो डेडलाइन है वो बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है, क्योंकि हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं कि आपके लिए 30 सितंबर तक की ही आखिरी तारीख थी जिसमें आप सेबी में नॉमिनेशन आपको डिक्लेयर करना था, लेकिन सेबी ने अभी जो सर्कुलर दिया है उसके मुताबिक अब जो ये आपके लिए डेडलाइन है वो बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दी गई है। दैट मींस ये एक और बड़ा ब्रीदर आपके लिए सेबी ने दिया है। इस पर थोड़ा और डिटेल्स हम आगे जाते हुए और समझेंगे। थोड़ा सा TCS के नियमों पर फिर से वापस आते हैं मोहित, यहां पर लोगों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इस रूल के बाद ये भी हुआ कि विदेश में जो हम जैसा पैसा भेजते हैं थ्रू LRS, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से उसमें चेंजेस किए थे। इस बीच बड़ी खबर देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता दें तमाम दर्शकों को कि सेबी ने डीमैट के लिए नॉमिनेशन की जो मियाद है वो बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। आपको बताएं कि सेबी ने ये क्लियर कट किया था कि आप अपने डीमैट या फिर ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन की जो जानकारी है वो 30 सितंबर तक दें। अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉमिनेशन नहीं तो आप खाता ऑपरेट नहीं कर पाएंगे।
ये काफी इम्पोर्टेंट एक खबर बीच में आ रही है जिसकी इस मियाद को बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो इन अ वे सेबी ने एक ब्रीदर दिया है सभी ट्रेडर्स और निवेशकों को कि वो और समय लें इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। तो ये रही इस वक्त की बड़ी खबर। सेबी ने डीमैट के लिए नॉमिनेशन की मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पर क्या म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन के लिए भी बढ़ाया गया है, इसको लेकर थोड़ा सा हम क्लैरिफिकेशन डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग चेंजेस रहे हैं जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने के लिए तैयार थे। टीसीएस के नियमों में मैं एक क्लियर कट आपसे चाहती हूँ मोहित, ये समझना, क्योंकि कई जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कई लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी बाहर जाते हैं, क्या ये जो 20% का टीसीएस कटने का जो ये रूल है, क्या ये ऐसे खर्चों पर भी लागू होगा? स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए। तो देखिए, ये जो टीसीएस का रूल आया है, ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत, जैसा हर वित्तीय वर्ष में आप 2.5 लाख US डॉलर पर पर्सन बाहर भेज सकते हैं, तो करीब करीब 2 करोड़ 7 लाख के आसपास की रकम होती है ये पर पर्सन, जो कि आप एक बहुत बड़ी रकम है जो आप हर साल अब तक बाहर भेज सकते थे। अब इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। आप अगर ये रकम किसी निवेश के लिए बाहर भेज रहे हैं, यानी आप इसे बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए भेज रहे हैं, चाहे वो शेयर्स हो, बॉन्ड्स हो, रियल एस्टेट हो, या किसी भी तरह का निवेश हो, तो उस पर आपको ये टीसीएस का नियम लागू होगा, आपको 20% टीसीएस एप्लीकेबल होगा। अगर आप ये मेडिकल खर्चे के लिए भेज रहे हैं, तो 7 लाख से ऊपर की रकम पर ये 5% ही लागू होगा, 20% की दर नहीं है। और अगर आप इसे एजुकेशन लोन के लिए भेज रहे हैं और ये लोन सॉरी एजुकेशन पर्पस के लिए भेज रहे हैं और आप एजुकेशन के लिए कोई लोन नहीं ले रहे हैं, तब 7 लाख से ऊपर 5% है, पर अगर आप लोन ले रहे हैं तो सिर्फ 0.5% टीसीएस ही एप्लीकेबल है। तो एक तरह से देखा जाए तो एजुकेशन और मेडिकल को बढ़ती हुई टीसीएस की दर से अलग रखा गया है, पर उसके अलावा अगर आपने बाहर स्पेंडिंग के लिए, बाहर किसी वित्तीय निवेश के लिए, बाहर अपने रिश्तेदारों को या किसी भी और पर्पस से बाहर भेजा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत पैसे को, तो उस पर ये 20% टीसीएस का नियम लागू होगा। बिल्कुल, तो ये हमने समझ लिया कि कहां पर ये लागू होगा, कहां पर लागू नहीं होगा, तो इस कंफ्यूजन को दूर करना बेहद जरूरी है। समझना चाहती हूँ यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट संदीप आपसे, कि जब हम क्रेडिट कार्ड का खर्चा करते हैं विदेशी ट्रैवल एंड टूर पर, वहाँ हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए अगर हम एक स्मार्ट ट्रैवल प्लान करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा टीसीएस कटे, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की स्मार्ट प्लानिंग अभी करनी चाहिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स? स्वाति, देखिए, टीसीएस जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट के ऊपर था, वो एक अलग यू नो प्रोविजन क्रिएट किया गया था। वो अभी गवर्नमेंट ने एक्चुअली डेफर कर दिया फॉर सम टाइम, अंटिल कोई एक फर्दर डेट आती है तब तक उस प्रोविजन को डेफर कर दिया, बिकॉज गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि शायद बैंक और जो भी एनबीएफसीज है वो प्रिपेयर्ड नहीं है इस टीसीएस को अप्लाई करने के लिए। तो अगर मैं बाहर इंडिया से बाहर ट्रैवल करने के लिए टीसीएस की जहाँ तक बात आती है वो अप्लाई करेगा, इररेस्पेक्टिव मैं उसका पेमेंट जो है वो क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ या फिर और भी किसी दूसरे बैंकिंग चैनल्स के थ्रू कर रहा हूँ, वो टीसीएस डेफिनेटली अप्लाई करेगा। तो जो टीसीएस ऑन इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है वो एक अलग ही प्रोविजन है, जैसा मैंने कहा वो अभी थोड़े दिन के लिए गवर्नमेंट ने उसको डिफर कर दिया है। आई थिंक दो तीन चीजें ध्यान पे रखी जा सकती हैं। एक तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई भी फैमिली ट्रैवल कर रही है और उस फैमिली में सभी लोगों के पास पैन है और वो करदाता है, तो ये इंश्योर किया जा सकता है कि सबकी ट्रैवल बुकिंग्स जो है वो अलग अलग की जाए, ताकि ये ओवरऑल जो टीसीएस का लिमिट है 7 लाख, वो शायद मैं उससे नीचे ही रह पाऊं और वो टीसीएस अप्लाई ही ना हो। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने की बात ये भी है कि ये टीसीएस जो है ये एक एडिशनल टैक्स नहीं है, ये क्रेडिटेबल है और ये मेरे ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बढ़ाएगा नहीं। सो जैसे ही मैं अपने रिटर्न फाइल करूंगा, ये पूरा टीसीएस जो है मुझे क्रेडिट में मिल जाएगा अगेंस्ट माय टोटल टैक्स लायबिलिटी। ओके, चलिए, तो ये हमने समझा कि आपके फॉरेन टूर एंड ट्रैवल पर, आपके फॉरेन ट्रिप पर आपको किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और नियमों की चर्चा करेंगे जिसका ध्यान आपको खास तौर पर रखना है अक्टूबर से। बने रहिए हमारे साथ।
तो कौन से बड़े बदलाव है जिसका आपको खास ख्याल रखना है अक्टूबर महीने से, इस पर हम खास चर्चा कर रहे हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट जिसकी जरूरत पड़ती है आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स खोलने में, उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं, और जो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दिखाने जरूरी हैं उस पर चर्चा जरा कर लें। मोहित, जो कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि जिसे खोलना है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स जिनको खोलनी है, उसमें कहा गया कि अब आपको आधार देना बेहद जरूरी है। हालांकि लोग आधार तो अब देते ही हैं, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट है, माने अगर आपने कोई और अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ दिया हो, एड्रेस प्रूफ दिया हो, पहचान पत्र अलग दिया हो, लेकिन उधर भी ऑलरेडी ऑपरेटर अकाउंट्स में भी, माफ कीजिए, आपको आधार की इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। तो जरा ये समझाइए, ये प्रोसेस कैसे पूरा किया जा सकता है जिससे कि अक्टूबर के बाद कोई दिक्कत ना हो छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार जरूरी के लिए। जी स्वाति, तो देखिए स्वाति, आई थिंक सबसे पहली बात तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, बिकॉज क्या हो रहा था अब तक कि बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कि ओवरसीज शिफ्ट हो गए हैं या जो बाय स्टेटस एनआर हो गए हैं, नॉन रेसिडेंट हो गए हैं, और इनके जो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट हैं, जो पीपीएफ अकाउंट है या जो पीएफ अकाउंट है, वो पड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, और इसकी पूरी जानकारी काफी लोग शिफ्ट होने के बाद भी देते नहीं है, और रूल्स के हिसाब से आपको अपने पीपीएफ खाते और ये सब बंद करने होते हैं अगर आप शिफ्ट हो जाते। तो एक तरह से गवर्नमेंट ये बोल रही है कि आप कहीं भी हैं, आप अपने आधार को अपडेट कर दीजिए, आपके चाहे स्मॉल सेविंग्स स्कीम में जितने भी आपके अकाउंट है, चाहे वो सुकन्या समृद्धि हो, पीपीएफ हो, पीएफ हो, एनएससी हो, किसान विकास पत्र हो, कहीं पर भी हो, आधार अब एक ऐसा कार्ड हो गया है जो अमूमन सारे ही भारतीय नागरिकों के पास में उपलब्ध है, सबको मुहैया करा दिया गया है। तो इससे गवर्नमेंट पूरी तरह से आपको ट्रैक कर पाएगी, और वो जो बेनिफिट्स होते हैं वो भी आजकल आधार लिंक्ड है, तो इसका फॉर्म भी बहुत सिंपल है। आप जहां भी आपके ये खाते हैं, जिस भी चाहे तो ये स्टेट बैंक के साथ में होंगे या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ में होंगे, या फिर अगर आप डायरेक्ट पीएफ ऑफिस में खोल रखा है ये खाता, तो वहां जाइए, वहां पर फॉर्म लेकर आप सिर्फ आधार के साथ में इसे आधार अपना सबमिट करके फॉर्म भर के आप इसे अपडेट करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही सराहनीय कदम है ये। बिल्कुल, और अपार्ट फ्रॉम दैट बर्थ सर्टिफिकेट को भी मोहित मैंडेटरी कर दिया गया है, जरूरी है कई जगहों पर। तो कौन से ऐसी जगह है जहां पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी ही जरूरी है, क्योंकि इन बातों का अंदाजा, इन बातों की इन्फॉर्मेशन लोगों को होनी चाहिए, जैसे कि कहीं पर भी वो जाए किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए तो उनके पास तमाम कागजात हैं, वो तैयार रहे। जी स्वाति, आपका ये शो आज काबिले तारीफ है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को अमूमन पता नहीं होती है, और इसके चलते उनके खाते फ्रीज हो सकते हैं। तो आपके स्मॉल सेविंग्स खाते फ्रीज हो सकते हैं अगर आपने आधार अपडेट नहीं किया, और उसी तरह से अगर कुछ चीजें ऐसी है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, जैसे कि स्कूल में एडमिशन लेना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना, वोटर्स आईडी कार्ड बनवाना, शादी की रजिस्ट्रेशन करना, आधार नए आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना, और इनफैक्ट सरकारी नौकरी के लिए भी अब आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर सरकार ये कह रही है कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट मुहैया कराइए, ताकि आपकी जो सही डेट है उसकी पहचान हो सके, और आपको इन सभी जगहों पर या तो एडमिशन मिल सके, या फिर जो भी आप नया कार्ड बनवाना चाहते हैं, जो भी स्कीम लेना चाहते हैं, जिसका फायदा उठाना चाहते हैं, वो आपको पूरी तरह से मुहैया कराया जा सके। बिल्कुल, ओवरऑल जितने भी हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें नॉमिनी को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। तभी शायद सेबी लगातार ये कहता रहा है कि चाहे आपका म्यूचुअल फंड हो, वो बैंक खाता हो, या फिर आपका ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट है, आप अपने नॉमिनेशन या नॉमिनी को जरूर अपडेट कीजिए। संदीप, समझना जरूरी है कि अभी एट द मोमेंट, क्योंकि सेबी इतना जोर इस पर दे रहा है, क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी फाइनेंशियल आपके इस पूरी लेन देन में नॉमिनेशन को रखना। स्वाति, नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो एक लीगल तरीके से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जो भी निवेशक है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो उसके उपरांत जो भी फाइनेंशियल एसेट है या बैंक में जो बैलेंस है, उसको अगर नॉमिनी का नाम मेंशन किया हुआ है उस डॉक्यूमेंट में, अगर मृत्यु के पहले निवेशक ने वो नाम, नॉमिनी का जो नाम है वो अपने खाते में या फिर अपने म्यूचुअल फंड हाउस या फिर स्टॉक ट्रेडिंग जो भी एजेंट है उनके थ्रू वो अपडेट किया हुआ है, तो जो प्रोसेस होती है वो बहुत सरल हो जाती है।
अदरवाइज अगर नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो अगर नहीं किया हुआ होता है तो जो उत्तराधिकारी है, हूसोवर जो लीगल ईयर है, उन तक वो जो अमाउंट है वो पहुंचने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस और पेपर वर्क इन्वॉल्व हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में कोर्ट को भी अप्रोच करना पड़ जाता है, और आप जानते हैं कि कोर्ट के पास जाने का मतलब होता है कि शायद समय ज्यादा लग जाए। तो नॉमिनेशन इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता है, और ये बहुत बहुत ही एक शॉर्ट टाइप का प्रोसेस है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट लग सकते हैं टू नॉमिनेट अ पर्सन। एंड इसमें मृत्यु के बाद, निवेशक की मृत्यु के बाद, वो सारा प्रोसेस जो है वो बहुत ही सरल हो जाता है। जो यूजुअली म्यूचुअल फंड में किसी को नॉमिनी अगर बनाना है मोहित, तो ये पूरा प्रोसेस कैसा है? स्वाति, काफी आसान प्रोसेस है। देखिए, अगर आप फिजिकली निवेश करते हैं, यानी फॉर्म भरकर निवेश करते हैं, तो आप एक साधारण सा फॉर्म पर अपने नॉमिनेशन को अपडेट कर फंड हाउस के ब्रांचेस में आप इसे सबमिट कर सकते हैं और वहां पर आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि आपको सेबी ने दोनों ही ऑप्शन दिए हैं। आप नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं या ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि मुझे नॉमिनी रखना ही नहीं है। सेबी सिर्फ ये चाहता है कि आप बिल्कुल क्लियर रहें कि आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। होता क्या है, निवेशक अक्सर सीधा निवेश कर देते हैं और काफी जगह जब वो ऑनलाइन निवेश करते हैं या कभी अपने ब्रोकर के थ्रू फिजिकल फॉर्म पे निवेश करते हैं, तो वो सिर्फ उनका सिग्नेचर लेके और अमाउंट लेके या चेक देकर वो निवेश कर देते हैं और नॉमिनेशन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सेबी कह रही है कि अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, और अगर आप रखना चाहते हैं तो उसे अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के लिए आप फिजिकल फॉर्म भरकर फंड हाउसेस की ब्रांचेस में उसे दे सकते हैं, कैम्स कार्वी के जो लोकल ऑफिसेज हैं वहां पर दे सकते हैं। कैम्स कार्वी की साइट्स पर ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, ओटीपी के जरिए आप उस ऑनलाइन लिंक को वेरीफाई करिए। वहां पर आपके जितने भी फोलियोज हैं वो ऑलरेडी लिस्ट हो जाएंगे। हर फोलियो में आप चाहे तो नॉमिनी इंडिविजुअली अपडेट कर सकते हैं, अलग अलग नॉमिनी भी रख सकते हैं, नॉमिनी की हिस्सेदारी भी कर सकते हैं, भागीदारी भी कर सकते हैं, तो वो सारी ही सुविधाएं उपलब्ध है। बस सेबी ये कह रहा है कि आपको ध्यान रहे कि आप नॉमिनी करना चाहते हैं तो प्लीज कर दीजिए और नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्ट आउट कर लीजिए। और अगर आप दोनों ही नहीं करते हैं फोलियो में, तो वो फोलियो 30 सितंबर के बाद फ्रीज हो जाएंगे, यानी आप उसमें से कुछ भी रिडेम्पशन स्विच नहीं कर पाएंगे और वो फोलियो पूरी तरह से आपके बंद हो जाएंगे जब तक कि आप उसमें नॉमिनेशन का अपडेशन नहीं करते हैं। बिल्कुल, पर कुछ अपडेट आया है इस पूरे मामले को लेकर, मैं आपको फिर से बता दूं। खास तौर पर जो ट्रेडिंग और डीमैट खाते में नॉमिनेशन के अपडेशन को लेकर, नॉमिनेशन को ऐड करने को लेकर जो कि डेडलाइन थी 30 सितंबर 2023 की, उसको सेबी ने बढ़ा दिया है। अब आप 31 दिसंबर 2023 तक अपने ट्रेडिंग या फिर डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन कर सकते हैं। मियाद जो कि 30 सितंबर को खत्म हो रही थी, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 31 दिसंबर 2023 तक। तो आपके पास समय और है लगभग 3 महीने का, जिसमें आप ये अपनी पूरी जो फॉर्मेलिटीज है नॉमिनेशन की अपने डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट में, वो पूरी कर सकते हैं। तो इसको लेकर आप थोड़ा सा रियायत बरत सकते हैं, लेकिन बाकी जो बदलाव है अक्टूबर में जो होने वाले हैं, उसका जरूर ध्यान रखिएगा और अपने निवेश के पूरे सफर को बेफिक्र होकर आगे बढ़ाइए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मोहित और संदीप, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे। और इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।